स्पाइसी सॉस अब ऐड करके पहले जैसा हो रहा है अब इसको मिक्स कर लेंगे। पनीर के मैंने ये शेप्स कट कर लिए हैं, मीन्स इनको कोट करके मैं पकौड़े बनाऊंगी। मैंने ऊपर से भी हटा दिया तो आके और इवन अभी मुझे चटनी भी बनानी है तो मैं फटाफट चटनी बना के यूनिफॉर्म पहन के बाल बना के स्कूल जाऊंगी और बहुत लेट होऊंगी। अब एक बार मैं चार बार उतार के मिक्सी चला देती हूँ जल्दी से। हेलो एवरीवन, कांशी शर्मा इज हियर विद अ न्यू व्लॉग। आफ्टर सो मेनी डेज किसी को वेट नहीं था बट मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग बिकॉज अभी सुबह के 6 बज रहे हैं इसलिए मैं इतना धीरे बोल रही हूँ। और सेकेंड थिंग इज दैट THAT मेरे जीभ वगैरह काफ़ी पकी हुई है तो मैं ठीक से बोल भी नहीं सकती, दिखेगी नहीं, इसलिए मैं बार बार ठंडा पानी पी रही हूँ। ठंडा और इतना लोग बनाया बिकॉज स्कूल क्लास टेस्ट इन सब में टाइम नहीं मिल रहा था। स्कूल से आके सोना देन क्लासेस दैट्स इट, सारे दिन का रूटीन ये चल रहा था। इवन स्कूल वर्क भी मैं कई बार स्कूल में करती हूँ बैठ के। तो आज ना सुबह सुबह मीन्स मुझे पनीर से कुछ बनाया था रिगार्डिंग होम साइंस वर्क जिनके पास हमने पता होगा। तो और सुबह सुबह पनीर से क्या बनेगा सो संपन्न डिसाइड टू मेक पनीर पकौड़ा। तो मैंने सोचा सुबह सुबह बना रही थी मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। वह मैंने देखा था ईजी है, हार्ड नहीं है। तो अभी मैं हो रही हूँ लेट क्योंकि 6 बजे और 7 बजे पहले स्कूल जाना है, मीन्स मुझे अराउंड हाफ एन हर में पनीर पकौड़ा बनाना है। तो बना के ट्राई करना, अच्छा बनता है, पनीर की बहुत वैल्यू है। सो लेट्स स्टार्ट। चिली तो नींद खुल गई उधर देखा, नींद खुल गई। तो फर्स्ट टाइम गोइंग टू मेक बैटर जिससे हम पनीर को कोट करेंगे, वो बेसन का बनेगा। सो बेसन लाओ, लाऊंगी तो मैं ही बेसन लाऊंगा। एक है बेसन को साफ कर लेगा, वो पनीर है। मैं बेसन को इससे स्ट्रेन करके दूंगा जो भी है इसमें डाल दूंगी, इससे क्लीन हो जाएगा क्योंकि ना बेसन मैदा इन सबने कीड़े वीड़े बहुत लग जाते हैं इसलिए। देन बेसन में मिर्च मसाले डाल के उसका बैटर बनाना है। बैटर ना ज़्यादा मोटा पतला होना चाहिए, वो बेस्ट होना चाहिए जिससे पनीर कोट हो जाए। मैं उसे बोला नहीं जा रहा हूँ, मेरा दर्द हो रहा। अब इसको ऐसे स्ट्रेन करना है। क्या बोल रहा है? स्ट्रेन करना इतना भारी होता है, बस स्ट्रेन नहीं किया तो पकौड़ों में कीड़े साथ में दोनों खाएगा कीड़े वाले पकौड़े। स्ट्रेन वगैरह चीज दिखाऊंगा मैं, अभी तक इसको स्ट्रेन नहीं कर दूंगी। 2 मिनट हो गए बोल रहे जल्दी वीडियो वीडियो गाइस मेरे पास आलोक है, करोनो भी है, जस्टिन बीबर भी है, कैली भी है, कैली तो मैक्स है, ये भी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, ये भी है। बाकी इन सबको ये सब नहीं पता कितनी मेहनत से उठते हैं। इसके लिए तो टॉपअप मारना पड़ता है 500 डॉलर। इतनी मेहनत पढ़ाई में भी करे तो क्या क्या हमने कुछ नहीं करना पड़ता। आपको एक ट्रिक बताऊं, अच्छा बताता हूँ, ये होता है ना लिंक
पकौड़े बाद में देखेंगे, पहले ट्रिप देख लो। इस पे जाने का फिर ना इधर एक प्लस का ऑप्शन आता है, जब बंदा नहीं होता तब आने का, फिर जो उनसे करेक्टर चाहिए उस करेक्टर पर क्लिक कर दो, फिर नीचे आएगा लिंक, अरे ऐड आ गई, फिर आपको सब कुछ कर देना है, फिर हो जाएगा। और अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो 200 रुपए दे दे के, अबे यार बचा 200 रुपए दे के आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो, और मैचेस खेल खेल के मिलेगा आपको। देखो इसकी मैंने क्रोनो डिजाइन खोला, सबसे पहले तो मैंने क्रोनो खोला था, अब इसमें स्पाइसी ऐड कर दें, मेरी चटनी के लिए सारा साइड में बेसन बेसन हो गया, धनिया पुदीने की चटनी विद बेसन। स्पाइसेस में मैं ऐड करूंगी नमक, नमक स्पाइसी होता है, चटपटा लाल मिर्च, सही है, थोड़ा सा ये पता नहीं क्या है, दिखा थोड़ा सा जो है वो भी पीला पीला, हल्दी बिना मतलब में, मेरे कुत्ते सबसे लगे। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी सब्जी मसाला, और अब थोड़ा सा मैगी मसाला, थोड़ा सा उधर से ज्यादा से ज्यादा, और मैंने सुना था जो चिट्टा चिट्टा होता है मतलब मेन व्हाइट व्हाइट बेकिंग सोडा वगैरह, एक बार मिल गया, अभी सोडा है बेकिंग सोडा ये नहीं पता, बट मैं थोड़ा सा डाल दूंगी बेकिंग सोडा, ज्यादा भी नहीं डालना क्योंकि सॉफ्ट हो जाएंगे ना बेकिंग सोडा, सोडा तो अलग होता है, आता है अब इसका अच्छा सा बैटर बना लेना है, बैटर गुलाब करना सोडा, चलो दिखा देती हूँ। स्पाइसी सॉस अब ऐड करके बैटर ऐसा हो रहा है, इसको मिक्स 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 कर लेंगे, और इसमें स्टेप बाय स्टेप वाटर ऐड करके इसका थिक बैटर बना लेना है। मैंने जो स्ट्रेन करा था ना बेसन, उसकी वजह से बैटर काफी हद तक अच्छा बन गया, क्योंकि उसमें जो ऐसे मतलब मीन मोटे मोटे से होते हैं बेसन के, वो ऐड ही नहीं हुए, तो बैटर अच्छे से बन गया। न ज्यादा पतला है ना ज्यादा मोटा है, क्योंकि पतला होगा तो बेसन लगेगा ही, उससे खराब रह जाएगा। दिस इज डन, अब मैं इसको कवर अप करके एक साइड में रख दूंगी, कवर हो जाए। एंड सेकेंड थिंग इज अब पनीर कटेगा, वो उसके शेप के अकॉर्डिंग की कैसे बनानी है, पीला पीला हो गया तो अब मैं एक बार पनीर काट लिख लूँ। पनीर के मैंने ये शेप्स कट कर लिए हैं, मीन्स इनको कोट करके मैं पकौड़े बनाऊंगी, वैसे मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी शेप कट हो जाएगी। मैंने सोचा मैं इनको सेंटर में से ऐसे कट करके इसमें थोड़ी सी चाट मसाला या कोई मसाला फिल करके करूँ तो टेस्ट अच्छा आएगा, बट पनीर से क्यों रिस्क लेना। स्टे हेल्दी की वैल्यू, पकौड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। होम साइंस में ना बेसिकली कुछ होता नहीं है, टीचर्स बनवाती हैं, थोड़ा सा टेस्ट करती हैं, देन बच्चे का लेट इसलिए उस अकॉर्डिंग बनाना है। अब इसमें ऑयल डाल के फ्राई करने के लिए स्टार्ट करना है हम पनीर को। हाँ जी हाँ, सेपरेट कर जाऊंगी ना, आप भी हो हमें पता है आपके बिना कैसे कुछ होता है। पनीर को बेसन में ये सारा सामान किसके पैसों का, जो ज्यादा हो गया। अब मैं मिलती हूँ तेल गरम करने के बाद।
ध्यान रखना है कि जो तेल है जो कढ़ाई है जिसमें तेल डालोगे उसमें पानी ना हो, ये ध्यान मैंने नहीं रखा, वो बच चुकी। तो अब इसके बाद चटनी भी बनाएंगे क्योंकि पकौड़े तो सिंपल ही बनने हैं, चटनी बनानी चाहिए तिक्खी मसालेदार हरी हरी। पकौड़े की तो वही अच्छी लगती है, और बाहर वाली चटनी है ना, पहले मैंने सोचा बाहर से ले लो, फिर ना बाहर वाली थोड़ी ज्यादा तिक्खी होती है, इतना तिक्खा खा भी नहीं पाती मैं, फिर भी थोड़ा मीडियम कलर लेगा, गर्म हो जाए हो जाए, लेट हो गई हूँ। आज मेरी स्कूल की छुट्टी है, ये कैसे हाफ डे है, हाफ डे फॉर वॉट, दो घंटे कौन पढ़ेगा, हाफ डे फॉर वॉट समझ नहीं आया, हाफ डे किस लिए, हाफ डे पता नहीं, टीचर किसी की शादी में, टीचर की शादी थी हाफ डे, मम्मी अबे नहीं पागल, तो ऐसा लेना की जो पनीर है ना उसका पानी क्योंकि पनीर ना सोख जाए, पनीर है पनीर, मेरे को लग रहा है कि वो तो गड्ढे में नहीं होता, वो हेड बैटर निकाल लो, बैटर भी अच्छे से सेट हो गया, बबल सेट थोड़े थोड़े, बैटर इज ऑल्सो सेट, सब सेट बैटर। इसके बाद मैं चटनी बनाऊंगी क्योंकि चटनी के लिए जो जो चीजें चाहिए ना मैंने ऑलरेडी काट के रखी हुई है। डू यू एवर हैव सीन तोतले पीपल, उससे ज्यादा तोतला बोल रही हूँ मैं इस टाइम, इवन मैं फिर भी अपने हद तक काफी बेटर बोल रही हूँ। अब बस पनीर को फ्राई करना है, आई विल शो यू हाउ, गाइस आज मैं फ्राई करना सिखाऊंगी, तेल ज्यादा गर्म हो गया, लेट मी चेक, उंगली भी लग गई थी, हाथ साफ है मेरे, खूबा लग रहा है सरसों का तेल ना, कैसे कैसे तेल जाती है मम्मी। सो अब वन बाय वन डालेंगे पनीर को, ये वाला मोटा है, कोट अच्छे से कर देना क्योंकि फिर पनीर पनीर का टेस्ट आए भी। मम्मी को बुलाना चाहिए इस काम के लिए, मैंने बोला ना कोड अच्छे से कर देना, कोड अच्छे से नहीं हुआ, पनीर पनीर दिखेगा। मैं थोड़ा सा गाढ़ा करना चाहिए, मैं थोड़ा सा ऑल ऐड करती हूँ, मैंने ऊपर से भी कर दिया, तो चलो एक अच्छे से बन गया, चेक कैसे करूँ, गरम है फिर मैं मेरे बेसन का बैटर थोड़ा सा कर रही हूँ गाढ़ा, करती हूँ करती हूँ, बैटर इज ऑल्सो लुकिंग परफेक्ट, हाथ साफ है मेरे, कोई गंदा नहीं हो रहा हूँ। सो अब मैं एक बार ये वाला ट्राई करती हूँ, कोट विद दिस ऑयल, ऑलरेडी गर्म है, क्या यार मेरा पनीर कट गया, एक और दिखाती हूँ, डन, पनीर से कोट कर रही हूँ, कहाँ हो रहे हैं, ये न
मैं ऐसे एक्स्ट्रा बेसन डालने से ना शेप खराब हो जाती है, बट मेरे पनीर है कि बेसन ही छोड़ दे रहा है। अब मैं जल्दी जल्दी सारे बना लेती हूँ, क्योंकि ना 6:30 होने जा रहा हूँ, मैं रेडी भी नहीं हूँ। मैं पकौड़े बना लेती हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं हद से ज़्यादा लेट हुई, क्योंकि 7:04 है और पकौड़े मैंने अलग अलग शेप में बना दिए। एक कीरा जैसे भी बन गए, बन गए ना बहुत है। और इवन अभी मुझे चटनी भी बनानी है, तो मैं फटाफट चटनी बना के यूनिफॉर्म पहन के बाल बना के स्कूल जाऊंगी और बहुत लेट होंगी। अब जल्दी से एक बार चटनी के लिए मैं डाल देती हूँ चीज़ें, धनिया उसका हाफ, पुदीना और अदरक, प्याज और टमाटर डलता नहीं पर मेरे को मन था तो मैं डाल रही हूँ, और हरी मिर्च ज़्यादा दिखनी चाहिए इसलिए बस एक टमाटर बिना मतलब में, और दही डालना है। दही वाली ना अच्छी लगती है, मैंने एक बार बनाई थी और ना मेरी चीज़ ना अच्छी बनती है, क्योंकि मुझे जो जो मिलता है मैं डाल देती हूँ, ऐसा मैंने कि चीनी मैंने मसाले में डाल दिया, इतना भी बुरा हाल नहीं है। दही डाल दो एटलीस्ट हाफ, थोड़ा सा वाटर ऐड कर दो, झूठा तो डालेंगे। सच्चा पानी कहाँ गया, ये तो वाटर थोड़ा सा क्योंकि दही डाला है, मसाले डाल रहे हैं, नमक थोड़ा सा, लाल मिर्च, अमचूर थोड़ा सा। हाँ जा रही हूँ, बस जा रही हूँ। चाट मसाला एक तो लिख जा, क्या रख दिए खा लियो, थोड़ा सा सब्जी मसाला पता नहीं क्यों, मैगी मसाला एवी क्यों, हाँ और लाल मिर्च भी डालनी थी थोड़ी सी क्यों, और नींबू रह गया कंगा चाकू, नींबू को भी ऐसे डालना होता काश, मन कर तो अपना बाल भी निकाल के डाल ले। नहीं नोने एक छोटा सा काम करेगा, मैं ग्राइंडर चला दूंगी, ग्राइंडर को पकड़ के खड़ा रहिए, इसको ग्राइंडर को, ग्राइंडर क्या है ये जार को पकड़ के खड़ा रहिए, मुझे ध्यान आ रहा है चिन्नी थोड़ी सी चिन्नी, मिक्सी बोला, मिक्सी मेरे को भी अपना तोतला कर देगी। माइक इधर है उधर काम बोल रहा है, हो गया नहीं, और क्या डालना था, दूध में डाले एक बार नींबू, अरे नहीं यार एक सेकेंड डल गया जो डालना था, ये क्या बना दिया, ऐसे मत कर मैं बहुत मारूंगी। अब एक बार मैं जार बार उतार के मिक्सी चला देती हूँ जल्दी से। मैं स्कूल से आ गई, मैंने चेंज कर लिया क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थी, अच्छी क्या गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी, मुझे लगता है कभी डिहाइड्रेशन आ जाएगा। और जो पकौड़ी थे ना वो स्कूल में सबको अच्छे लगे, घर में सबको अच्छे लगे, मैंने बस हाफ खाया क्योंकि मेरे बच्चों को था, सबको अच्छा लग रहा था, मैं बस सेटिस्फाइड थी कि हाँ अच्छा लगा, ट्राई ज़रूर करना। एंड सेकेंड थिंग इज दैट मैं खाना खाने जा रही हूँ, और खाना खा के मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, देन मैं जाऊँगी नहा ली, हेयर वॉश नहीं करी मैंने 2 दिन से, हेयर वॉश करना ज़रूरी होता है, और गर्मी से सावधान रहें, खाना खाते रहें। आई विल मेट यू, नहीं चलो खाना खा लो, चले जाओ।